की ये कहानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था वक्त ही और था जब वो थे अजनबी। प्यार की ये कहानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था वक्त ही और था जब वो थे अजनबी। दोनों तनहा से थे पर वो कहते किसे बात जो दिल में थी। प्यार की ये कहानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी। रहते थे दोनों, फिर भी दिल में कहते थे दोनों कोई। थैंक्स मम्मी, थैंक्स डैडी। भाई 25वीं साल की हो रही है, तुम्हारे आशीर्वाद से 25 साल निकाले हैं। थैंक्स भगवान जी को, पापा जी को, तेरे जैसा भाई को दे दिया था, भाभी जैसी, मेरी भाभी, मेरी बहन, मेरी सब कुछ मुझे मिली। थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूँ उस रब का जिन्होंने ऋतु के रूप में मुझे जीवन साथी दिया। तो हम घर गए थे तो इनकी सिस्टर ने दिखाया था कि ये मेरी सिस्टर है, बस वहीं से फंसना शुरू हो गए थे। हम तो गुलजारे में मिले थे, गुरुद्वारे गए हैं, वहाँ हमने देखा, मैंने तो इनको आंखें ऊपर करके भी नहीं देखा था। जो हमारे पेरेंट्स ने पसंद किया वो कहते हैं बहुत अच्छे हैं, मैं आपको पसंद, मुझे पसंद। आखिर वो अपनी मम्मी डैडी के आज्ञाकारी थे, उन्होंने हुक्म दे दिया। नगमे हैं शिकवे हैं किस्से हैं बातें हैं। नगमे हैं शिकवे हैं किस्से हैं बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। 25 साल कैसे बीत गए ये आज यकीन नहीं हो रहा है कि 25th एनिवर्सरी हम मनाने जा रहे हैं। वो 25 साल ऐसे लगता है कि अभी ही बीते, कुछ देर पहले ही बीते हैं। एक सेकेंड में भी वक्त बीतते पता नहीं चलता है जी। मैं इस लायक नहीं थी जो मुझे ये मिले, मैं इस परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उस माँ का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इनको जन्म दिया। मैं थैंक्स करता हूँ भगवान को कि उन्होंने मेरे को माँ से बढ़कर मेरी दो बहने, पिता से बढ़कर मेरे दो जी, मेरे बच्चों जैसे मेरे भांजे भांजियाँ, मेरे भाई जैसे मेरे साले मेरे साली, उनके बच्चे, बहुत प्यार दिया इन्होंने। उस पूरे परिवार का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। सब इतने अच्छे, बहन भाई भाभियों सब ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। संस्कार
संस्कार मेरे माँ बाप ने जो मुझे दिए, और कुछ मेरे कुछ मैंने भले काम करे होंगे जिसके रूप में मेरे को भगवान ने दो मेरे बेटे दिए, करण और अर्जुन, जो मेरे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं और मेरी देख रेख करते हैं। हाय खुशबू है तेरे शहर दी, खुशबू है तेरे शहर दी, जे यार नी बनाउणा गोरिए मैनू झांजर बनाने पैर दी। ओ अपनी तली दे उत्ते दिल रख के पानी विचों मारिया कि तेनू तक के, तेनू तक के। हाय मछली मिट्टी च तैर दी, मछली मिट्टी च तैर दी, जे यार नी बनाउणा गोरिए मैनू झांजर बनाने पैर दी। जे यार नी बनाउणा गोरिए जिन्ना छावे बैंदी सी धरती नाल लड़े आ गए, ओ पेड़ भी चल के हुस्न वाले आ तेरे घर आ गए। ऐसा चेहरा नूर ऐसा ऐसिया जुल्फा पागल कर दे बंदे नूर दो वैसिया जुल्फा। ओ सौ पिंड वाली नहर दी, ओ सौ पिंड वाली नहर दी, बनाउणा गोरिए मैनू झांजर बना लै प्यार दी। जे यार नी बनाउणा गोरिए मैनू झांजर बना लै प्यार दी। तेरी गली नू चुम्मांगे फिर शहर नू चुम्मांगे, तेरे पैर दी झांजर बन के तेरे पैर नू चुम्मांगे, ओ तेरे पैर दी झांजर बन के तेरे पैर नू चुम्मांगे। तू शक्ल न वेखी गैर दी, तू शक्ल न वेखी गैर दी, जे यार नी बनाउणा गोरिए मैनू झांजर बना लै पैर दी। जे यार नी बनाउणा गोरिए मैनू झांजर बना लै पैर दी। मैं बाबा जी से थैंक यू करता हूँ कि मुझे ऐसे मुई पापा मिले हैं, ऐसे मुई पापा भगवान करे सबको मिले। अगर हमें कोई जानता है हम कहीं से निकलते तो हमारे यही बोलता है कि भाई मोंटू को बेटा है, तो हमारे पापा की बहुत वैल्यू है, उनके नाम से ही हमारा नाम है। और हम बहुत ज़्यादा शुक्र गुजार है भगवान से कि हमारी इतनी ज़्यादा वैल्यू है, हमें बाबा जी ने इतना कुछ दिया है, हम जो मांगते हैं हमारी सारी विश पूरी होती है। हम अभी हमने थोड़े टाइम पहले हम एक्सयूवी 700 लेने के लिए गए थे, मेरे पापा को बहुत पसंद थी, पर मैंने कहा नहीं पापा फॉर्चूनर लेनी है, तो हमने फॉर्चूनर ही ली। और अगर हम कोई सामान घर में नहीं मिल रहा तो सिर्फ एक ही काम करना है हमारे को, मम्मी, तो वो सामान मिल जाता है हमारे घर में, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, चाहे वो कुछ कपड़े हो या कुछ भी हो, आवाज़ लगानी है मम्मी, सारा सामान दुनिया का इधर उधर कहीं भी हो वो सामान मिल जाएगा। मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो बहुत ध्यान रखते हैं हमारा। बहुत लकी हो कि ऐसे हमने बाबा मिले मेरे को, और जब भी मैं कुछ भी मांगता हूँ तो पापा हमेशा दिला देते हैं। हम कुछ भी नहीं है अपने माँ बाप के बिना, इवन कोई भी बंदा कुछ भी नहीं है, तो उसमें भगवान का शुक्रिया करना चाहता हूँ। जब इनकी शादी हुई मोंटू की रितू की, तो हमने कभी हमें हमेशा ये लगा कि हम एक परिवार एक सदस्य की तरह, हम बहनों की तरह ही रहे हैं हमेशा आज तक, सुख दुख हमेशा साझा किए। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बस यही कामना करता हूँ कि ऐसा परिवार भगवान सबको दे। मैं परमात्मा से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला जिन्होंने बहू को बेटी बना के रखा। हमने सब कुछ हंसते खेलते ये जिंदगी बिता दी, पता नहीं चला जो कैसे निकल गए, जो आगे जिंदगी है वो भी हंसते खेलते निकल जाए हमारी। और बस मैं परमात्मा से इनको यही आशीर्वाद देती हूँ कि ये परमात्मा को सारी दुनिया की खुशियाँ दे। और मैं थैंक्सफुल हूँ रितु का भी, उसने मेरे हर अच्छे और बुरे वक्त में मेरा पूरा पूरा साथ दिया, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, चाहे वो सुख था चाहे वो दुख था। जल्दी चले आना जाने वाले तैनो पिंड दिया गली।
जैसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने, दूजा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने, बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा, तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। ओ सासी का लगा जी, आजी 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 ये हमारे जीआई स्पेशल अमेरिका से आया जी फंक्शन अटेंड करने के लिए। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस रितु एंड गुरबीर सिंह जी, हमारे ब्रदर इन लॉ, नॉट ए ब्रदर इन लॉ, ही इज अ रियल ब्रदर, वी आर प्राउड ऑफ देम। बोल दे भाई, मैं क्या कहना चाहता हूँ, फीलिंग समझ, वो फीलिंग बाहर नहीं आ रही है, बाकी आपको समझदार हो तो जल्दी ऊपर आ। नहीं, पहले एक बार बोल लेते हैं फिर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो मैंने बोल दिया, तू बोलो कुछ। बोल दिया। नकली बोलता रहो। भैया भी रिकॉर्ड कर दो, सब नकली बोल रहे हैं। पहले भैया सही सुलूक आ रही है, तो स्टार्ट करें, पहले बैंड बजवा दो, स्टार्ट करना है, एक मिनट हो जा रहा है, अरे भैया एक मिनट हो जा रहा है, जल्दी करो, मैं सोचो बुलवा दिया आपने, तू जा थोड़ी देर सो के आराम नाल याद करके आ जा, तू फोन भी ले पहले, तू बंद कर दिया, बस दे। और अगर हमें कोई सामान घर में नहीं मिल रहा तो सिर्फ एक ही काम करना है हमारे को, मम्मी तो वो सामान मिल जाता हमारे घर में। बचपन से हम भटूरे खाते आ रहे हैं अनिल के, मेरा वजन बढ़ाने में हाथ है जो मेरे पापा का ही है, और चाची को मक्खन वाली ब्रेड लगा के देती है और घी ज्यादा लगा के देती है, कोनिया पड़ती है ना चुभने वाली, तो सबको लेके देना पड़ता है। देखो भाइयों, बीवी अब चली गई है बाहर, जो बोला था गंभीरता से मत लेना, सब उल्टा होता है, वो तो कोनी के डर से सब कुछ बोला जा रहा था। धन्यवाद।